हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो इंडियन रेलवे एसी कोच में जो ट्रैवलिंग करते हैं उसके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और जानकारी लीजिए M1 M2 क्या है। तो फ्रेंड्स, आप शुरू करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3 tiers इकोनॉमी और M से इंगित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अंदर देखते हैं। जैसे हम प्रवेश करेंगे कॉरिडोर में, एक HDC पैनल यहाँ बैठाया गया है जो कि कंट्रोल पैनल है। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, यहीं से AC कंट्रोल होता है, पानी कंट्रोल होता है, चार्जिंग पॉइंट कंट्रोल होता है और भी बहुत कुछ। और यहाँ आप देख सकते हैं वॉश बेसिन, और यहाँ आपको धोने के लिए नीचे के और नज़र दौड़ाना होगा क्योंकि यहाँ पैर से दबाना होता है। ये देखिए, मैंने पैर से दबाया और यहाँ पानी निकलना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं टॉयलेट रूम के क्या सिस्टम है। ये आपका दरवाज़ा जो है फुल्ली स्लाइड सिस्टम है और गोलाकार है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही न्यू स्टाइल दिया गया है और इस तरह से लॉक किया जाएगा। और ये मैंने लॉक कर दिया, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा। और आप देखते हैं कोच के अंदर क्या हो। फ्रेंड्स, ये देखिए फुल्ली स्लाइड सिस्टम दरवाज़ा है जो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाता है। और ये अंतिम केबिन है। इस कोच में टोटली 83 सीटर है और स्लीपर है। तो फ्रेंड्स, आप आगे की ओर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ और देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक 3 tier जो है, ये पहले से थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है और पहले से थोड़ा सा काफ़ी काम किया है फैसिलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केबिन में 2 ही 4 इंच केबल है और यहाँ आप देख सकते हैं वाटर बोतल का हंगर। जब वाटर बोतल रखेंगे तो यहाँ आप रख सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। और लोअर बर्थ के लिए इस तरह से यहाँ आप पानी रख सकते हैं, पानी रखने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह फोल्ड कर दिया जा सकता है और आप आराम करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2022 का एक नया मॉडल कोच आया है, बहुत ही सुंदर तरीका से दिखता है। ये अभी MT कोच दिखा रहा हूँ क्योंकि पैसेंजर जब भरा रहेगा तो समय बढ़िया से नहीं दिखा पाऊँगा, वो इसीलिए MT कोच में दिखाना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे साइड बर्थ के लिए, जब इसी की कमी आएगा आपको तो इस तरह से आप ओपन करके ये आप अपना AC को बढ़ावा दे सकते हैं और आप यहाँ से ज़रूरत नहीं हो तो आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 2nd AC के तुलना में इसको भी किया गया है, रेडी लैब का सुविधा उपलब्ध कराया गया है जो नाइट का ज़रूरत है, जो कि बुक सब पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, आप इस तरफ थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत ही आकर्षक नज़र आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हम फिर बैक कर होते हैं और आप देखेंगे यहाँ से बहुत लंबा दिख रहा है। फ्रेंड्स, कैमरा में तो थोड़ा लंबा ही दिखेगा पर आप हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीका से बनाया गया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि 3rd AC की तुलना में इसमें थोड़ा सा किराया कम है,
जहां टाटा से नकुलम तक के लिए किराया 2100 लगभग होता है, तो वहीं इकोनॉमिक 3 टायर में आपको 1800 रुपये में 1800 कुछ रुपये में आप जर्नी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम देखेंगे, फोल्डेबल टेबल है और यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है तो हम आपको नीचे दिखाएंगे। यहाँ इस तरह से आप बांध करके फोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लिए नया कोच और ऐसे नया नया जानकारी आपको मिलने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।